क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग इस बात को जानेंगे कि हिंदी दिवस क्यों और कब से मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जिसमें कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है और हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुर, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, मराठी, उर्दू और गुजराती, इन 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो हम लोग भी हिंदी दिवस आज ही के दिन मनाते हैं। हिंदी हमारे भारत में राजकाज की भाषा हिंदी ही है, तो आज हिंदी दिवस पर हम सभी लोग इस बात की शपथ लें कि हम लोग भी अपनी हिंदी भाषा को हमेशा ही ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि अर्थात हमारी हिंदी भाषा का पतन कभी न होने पाए, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। और जहाँ पर किसी भी भाषा को 80% लोग बोलने लगते हैं, तो वो उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और हम इसे ही अपनी राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। हमको आज हम आप लोगों को आज ये पढ़ना था कि समुच्चय बोधक में व्याकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। व्याकरण समुच्चय बोधक, व्याकरण समुच्चय बोधक ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसके दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनता है वो हमारा व्याकरण समुच्चय बोधक वाक्य बन जाता है। तो व्याकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। व्याकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। पहला कारण बोध, पहला क्या है, कारण बोध। कारण बोधक व्याकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जिसमें कोई कार्य जिस शब्द से, जिस वाक्य से किसी भी कारण का पता चलता हो उसे हम व्याकरण समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कारण का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण समुच्चय बोधक आगे कहते हैं। जैसे संकेत किया जाता है या शर्त प्रकट की जाती है। क्या प्रकट किया जाता है,
है, तो इसलिए यहाँ पर अभी एग्जाम्पल साथ के होते हैं यदि तुम खाते तो मैं भी खाता, मैं भी खाता। इस प्रकार से आपके लिए कारण बोधक, व्याकरण समुच्चय बोधक और संकेत बोधक, व्याकरण संकेत बोधक व्याकरण अव्यय हो जाता है। आपके थर्ड और फोर्थ दो व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय और हैं, जिसको कि आप नेक्स्ट डे जानेंगे। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग हिंदी दिवस पर कुछ बातें दो लाइन सुनेंगे। हिंदी देश की।